इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा इनका, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूं मैं इधर, तो ये 7 और 3 का जो एलसीएम है आएगा 21, और इधर भी मैं एलसीएम ले लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7 3 जा 21, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम किसमें, एक्स प्लस 3 में, एंड यहाँ पे माइनस का साइन इधर आ जाएगा, 3 7 जा 21, तो 7 यहाँ पे आया और ये है 2x-5, ठीक है, इट इज इक्वल टू। अब देखिए इसमें यहाँ पे जो एलसीएम है हमारा कितना आया है, 5 आया है, तो 5 1 जा 5, ठीक है, तो 1 × 3x-5 ये इतना ही रहेगा 3x-5, एंड यहाँ पे है, इसको मैं राइट कर सकता हूँ 25/1, तो 1 × 5 यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5 × 25, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो 3 × x+3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले 3 का x में कर लेते हैं, तो 3 × x हो गया 3x, एंड यहाँ पे प्लस का साइन, 3 × 3 हो जाएगा 9। इसके बाद क्या है, यहाँ पे 7 है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं -7 का इसमें, ये हो जाएगा 14x, 7 × 2x क्या हो जाएगा 14x, एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 7 × 5 हो जाएगा 35, अपॉन में कितना है यहाँ पे, ये है 21, इट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है यहाँ पे 3x-5 है, ठीक है, कितना है 3x-5, एंड यहाँ पे -5 × 25 हो जाएगा 125, अपॉन में कितना है ये 5 है। इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, तो 3x-14x, लाइक टर्म्स को देख लेते हैं पहले, तो यहाँ पे 3x-14x, इधर बचेगा मेरे पास -11x, एंड यहाँ पे 9 + 35, कॉन्स्टेंट पार्ट को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 44/21, इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास 3x, कॉन्स्टेंट पार्ट है, नेगेटिव फैमिली के हैं दोनों, तो ये हो जाएगा -130/5, ठीक है। अभी क्या कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखिए 5 का जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 5, इसको ऐसा पहले राइट कर लेते हैं, 5 × -11x + 44, ठीक है, इट इज इक्वल टू 21 × 3x-130, कर लेते हैं इसका, तो 11 × 5 क्या हो जाएगा 55, नेगेटिव का है तो ये -55x, एंड यहाँ पे प्लस 44 और 5 का मल्टीप्लाई होगा 220, इट इज इक्वल टू 21 का 3x-130 में कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये 63x, एंड -13 का कर लेते हैं इसमें, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, और 127, और ये 0, ठीक है। अभी क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे जो ये x वेरिएबल वाली टर्म्स हैं, ठीक है ना, इनको इकट्ठा कर लेते हैं, तो यहाँ पे इस इधर ले आता हूं मैं इसको -55x, इसको इधर ले आता हूं, तो यहाँ पे प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का 63x, इट इज इक्वल टू, और इस कांस्टेंट पार्ट को मैं लेके जाता हूं इधर, तो यहाँ पे ये -2730 पहले से ही है, ठीक है, और ये 220 उधर आगे हो जाएगा माइनस का, तो इधर क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे 5 3 8 और 5 6 11, तो -118x, इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना 0 2 3 5, दोनों नेगेटिव फैमिली के हैं इसलिए इकट्ठा कर लेंगे इनको, और यहाँ पे 7 2 9, और ये 2, -2950, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, तो ये बच गया हमारे पास 118x, इट इज इक्वल टू 2950, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 2950/118, ठीक है, इतना है। तो अभी क्या कर लें इसका हम, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं इसको सीधा कट कर देता हूँ, किससे, 59 से कट कर देता हूँ, ठीक है, 55 से 59 हो जाएगा हमारे पास इतना, ठीक है, 59, हाँ 59 से कट कर लेते हैं इसको, तो 59 5 जा, और ये 0, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 20, तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई 25।